Now another C program what is the out of given example. This case में जैसे provide क्या किया two variable declaration character types character type variable C and pointer variable P. तो C की बात करें C character type का single primitive variable है. C के लिए only one byte allocate होगा जबकि P के लिए two bytes. Plus P इस case में pointer है not a array. इन्हें point किसको करेगा string ABC. इस case में string double quotes के through create हुआ. जब भी आप string double quotes के through create करा के अगर स्ट्रिंग लिटरल किसी पॉइंटर में असाइन करा देते हैं इस केस में स्ट्रिंग क्रिएट होता है ऑलवेज इनसाइड डेटा सेगमेंट और वी कैन से डेटा एरिया. तो इस केस में पी और सी का लोकल वेरिएबल्स पॉइंटर और सी का क्रिएट हो इनसाइड स्टैक लेकिन स्ट्रिंग का क्रिएट हो इनसाइड डेटा एरिया. क्लियर. नेक्स्ट इस केस में जस्ट इस प्रोग्राम का बिहेवियर चेक करेंगे देन करस्पोंडिंग जो भी आउटपुट आएगा आउटपुट डिस्प्ले करेंगे ऑन द दैट प्लेस. नेक्स्ट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन केस. सबसे पहले इसके लिए डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें. फर्स्ट वन According to stack diagram, सबसे पहले allocation किसके लिए perform कराएं? Local variables C and P. तो C के केस में बात कर रहे हैं. C का size क्या है इस केस में? Without stack create करो इसे आपकी easily समझना possible. C की बात करें C का size क्या है? One byte. तो C के लिए कितने bytes allocate होंगे? Only one byte. One bytes के केस में total number of bits कितने होंगे? There are 8 bits. जस्ट मैं बात करना चाहता हूँ इस केस में C का type क्या? Character और character का range क्या रहता है? अगर unsigned range की बात करें character में तो signed range क्या है -128 to +127. What is the unsigned range? Unsigned range क्या है 0 to 255. This is the range of characters. लेकिन इसके साथ आसानी क्या रहा 256. 256 क्या है out of range. तो out of range क्या है doesn't matter. Just इस केस में C के लिए आप one byte allocate कराओ plus ये value किस form में store होता है memory level पर in the form of binary representation. तो binary operation just C के beginning session में आपको already provide कर दिया. तो same operation यहाँ perform कराना है. Just C में क्या आसान होगा ask binary number of 256. अगर 256 का binary number calculate करोगे उसका just binary number क्या है 1 8 times 0 इस रेंज को स्टोर करने के लिए बिट्स कितने रिक्वायर्ड है 9 बिट्स जबकि सी के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं ओनली 8 बिट्स. तो ओनली कितना डेटा कॉपी करना पॉसिबल ओनली बिगिनिंग सॉरी राइट टू लेफ्ट ओनली 8 बिट्स. तो 8 बिट्स जब इसमें असाइन कराओगे 8 बिट्स क्या है 8 टाइम्स 0 इसका डेसिमल क्या है 0. तो मींस फाइनली सी में इनिशियलाइजेशन किससे होता है सी का वैल्यू का करंटली 0. क्लियर. अगर आप सी का वैल्यू डिस्प्ले कराओ तो सी का वैल्यू का डिस्प्ले होगा इसके इसमें जस्ट 0. इसके अलावा एक और वैल्यू क्रिएट हुआ पॉइंटर वेरिएबल पी. पी का टाइप क्या है इसके इसमें जस्ट पॉइंटर और पी के केस में आसान क्या हो रहा है इन दैट केस स्ट्रिंग एबीसी. तो मेमोरी के अंदर सेपरेट प्लेस पर इनसाइड डेटा एरिया स्ट्रिंग क्रिएट हुआ विद 4 कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग का साइज क्या है 4. फर्स्ट प्लेस पर आसान क्या हो जाए कैरेक्टर ए बी और वी कैन सी आस्क वैल्यू ऑफ ए बी सी देन फाइनली आस्क वैल्यू ऑफ नल. अगर इसे स्ट्रिंग का एड्रेस एंड डेट है तो नेक्स्ट प्लेस का एड्रेस क्या हो 101 102 103. बेस एड्रेस क्या 100. तो 100 किस प्लेस पर मिले स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो 100 असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल पी. नाउ पी इज पॉइंटिंग दैट लोकेशन. तो पी कितने बाइट्स को पॉइंट करेगा पी का टाइप क्या कैरेक्टर पॉइंट. तो एट ए टाइम ओनली सिंगल बाइट पॉइंट करना पॉसिबल इस केस में. फर्स्ट लोकेशन 100 का नेम क्या हुआ इसके इसमें आएगा स्टार पी. क्लियर दैट वन. नेक्स्ट में फाइनली आपको प्रोसेस क्या करना है गिवन लूप. सबसे पहले इफ कंडीशन टेस्ट होगा तो इफ के केस में सी के प्लेस पर सी का वैल्यू रिप्लेस कराओ. सी का वैल्यू क्या 0 कंडीशन इज ट्रू. इफ कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूट क्या हुआ व्हाइल. इस व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन कब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है. फर्स्ट टाइम नॉट सी सी का वैल्यू क्या 0. जब जीरो के लिए नॉट ऑपरेटर अप्लाई करोगे लॉजिकल नॉट का वर्किंग क्या है ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना. तो जीरो इटसेल्फ क्या फॉल्स जस्ट एक कन्वर्ट किस में जाएगा ट्रू में. ट्रू मींस 1. मींस कंडीशन कभी फॉल्स होने चांस है क्या नहीं. तो इस केस में एवरी टाइम जो लूप चलेगा कहीं आपने सी को मॉडिफाई नहीं किया तो इस केस में एवरी टाइम लूप किसके रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है नॉट सी. एवरी टाइम कंडीशन इज ट्रू मींस व्हाइल लूप के केस में कंडीशन भी फॉल्स होने चांसेस नहीं. तो व्हाइल के रिस्पेक्ट में लूप कैसा लाइक है इनफाइनाइट. लेकिन इस केस में लूप को अदर वे से टर्मिनेट हो सके अदर वे से टर्मिनेट करा हुआ यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. मीन से ब्रेक स्टेटमेंट को चांस कम ले जब इफ कंडीशन फॉल्स हो तो इसलिए इसको जस्ट इटरेट करेंगे. व्हाट इज द आउट ऑफ दिस कोड मीन से कंडीशन व्हाइल के केस में एवरी टाइम कंडीशन कैसा हुआ फॉल्स इसलिए बार बार टेस्ट करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना इफ कंडीशन. इफ में सप्लाई क्या हो रहा है स्टार पी प्लस प्लस. तो पी के प्लेस पर जस्ट इसको जैसे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करें इसमें टू ऑपरेटर्स फाउंड हो रहे हैं प्लस सॉरी इंक्रीमेंट और
स्टार दोनों का टाइप क्या, बोथ आर यूनरी ऑपरेटर, दोनों का प्रायोरिटी सेम है, राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व करें तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, प्लस प्लस, चेक कर सकते हैं इसके इसमें प्लस प्लस किसके लिए पाई हो रहा है, स्टार पी के लिए, पी के लिए ओनली, पी के लिए। तो स्पेस जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, प्री ऑपरेशन ऑफ पोस्ट, पोस्ट पोस्ट है तो पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, पहले पी के प्लेस पर पी का करंट वैल्यू रिप्लेस करें विच इज 100, वैल्यू रिप्लेस कराने में पी में इंक्रीमेंट होगा तो पी पी का वैल्यू इंक्रीज करो, पी का टाइप क्या, पी इज अ पॉइंटर, किस टाइप का पॉइंटर है, पी जस्ट कैरेक्टर पॉइंटर, तो इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से, तो इसमें इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 101, क्लियर। लेकिन ऑलरेडी रिप्लेस क्या हुआ था, स्टार 100, स्टार 100 के प्लेस पर स्टार 100 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जिस लोकेशन का एड्रेस 100 है उसी लोकेशन का अदर नेम क्या हुआ, स्टार 100, स्टार 101, स्टार 102, स्टार 103, क्लियर। क्योंकि स्टार हमेशा रिटर्न क्या करता है, वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, फाइनली स्टार 100 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ स्टार 100 विच इज ए, और ए क्या है, आस्क वैल्यू ऑफ ए 65, तो फाइनली इफ कंडीशन ऑफ फर्स्ट टाइम पास करो 65 मीन्स नॉन जीरो नंबर, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू देन डिस्प्ले क्या हुआ, वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ स्टार पी, सी का वैल्यू क्या है जीरो एंड स्टार पी का वैल्यू क्या करेंटली ए, क्लियर। देन स्लैशन से लाइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, अगेन व्हाइल कंडीशन, व्हाइल कंडीशन अगेन ट्रू, नॉट सी मीन्स नॉट जीरो, जीरो फॉल्स में कन्वर्ट हो, ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगेन सेम कंडीशन टेस्ट करेंगे फिर से, नेक्स्ट टाइम इस केस में पोस्ट इंक्रीमेंट है तो मीन्स राइट टू लेफ्ट सॉल्व कराओगे अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी रूल, सबसे पहले पी के प्लेस पर पी का करंट वैल्यू रिप्लेस करें विच इज 101, देन पी में इंक्रीमेंट होगा तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 102, तो अब पी किसको पॉइंट करेगा, लोकेशन 102, पी किसको पॉइंट करेगा, आई थिंक मैंने प्रीवियस केस में मिस्टेक किया है, प्रीवियस केस में जस्ट पी में इंक्रीमेंट हो चुका था तो पी किसको पॉइंट कर रहा था 101 लोकेशन, तो इसलिए स्टार पी किस लोकेशन का नेम था 101, इसलिए इस केस में प्रिंट एफ में डिस्प्ले क्या हुआ, स्टार 101 का वैल्यू, स्टार 101 में क्या स्टोर है, जस्ट वैल्यू एज बी, डिस्प्ले क्या हुआ बी, परसेंट सी से डिस्प्ले कराया, फर्स्ट केस में क्या प्रिंट हुआ जस्ट बी। नेक्स्ट वन इस केस में अगेन परफॉर्म किया सेम केस, तो स्टार 101 में करंटली क्या स्टोर है, अडिदा वैल्यू ऑफ स्टार 101 बी, बी मीन 66, अगेन इस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू तो फिर से इफ का बॉडी एग्जीक्यूट हो, सी का वैल्यू अभी भी क्या है जीरो, लेकिन स्टार पी का वैल्यू क्या है, स्टार पी, पी किसको पॉइंट करा 102 लोकेशन, तो स्टार पी उस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस 102 है, दैट वन, और 102 में क्या स्टोर है, जस्ट कैरेक्टर सी, तो नेक्स्ट टाइम स्टार पी के प्लेस पर क्या डिस्प्ले होगा, कैरेक्टर सी। नेक्स्ट वन अगेन व्हाइल का कंडीशन टेस्ट, व्हाइल कंडीशन ट्रू है, इसके बाद इफ कंडीशन टेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम, इफ कंडीशंस के केस में करंटली पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा वो वैल्यू ऑफ पी, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले पी का वैल्यू रिप्लेस करा, पी में इंक्रीमेंट, वैल्यू रिप्लेस करेंगे 102, देन पी में इंक्रीमेंट होगा तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 103, क्लियर। नेक्स्ट वन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करा, वैल्यू ऑफ स्टार 102, स्टार 102 में क्या सी, और सी का आस्की वैल्यू कैसा होगा नॉन जीरो, सी का आस्की वैल्यू क्या है जस्ट 67, नॉन जीरो, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है फिर से डिस्प्ले कराओ वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ स्टार पी, स्टार पी किस लोकेशन का नेम है जिसका एड्रेस 103 है, क्लियर, मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस का नेम क्या हो जाएगा स्टार पी। नेक्स्ट वन सी में क्या स्टोर है एवरी टाइम जीरो, और स्टार पी का वैल्यू क्या करंटली नल, और नल परसेंट सी से डिस्प्ले कराओ तो स्पेस को कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो, नथिंग, क्लियर, प्रिंट नथिंग। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कर सीक्वेंस लाइन, नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड हो, व्हाइल कंडीशन टेस्टिंग, व्हाइल लूप का कंडीशन टेस्ट होगा तो व्हाइल के केस में सी का वैल्यू क्या अभी भी जीरो, नॉट जीरो मीन्स वन, कंडीशन इज ट्रू। देन इफ का कंडीशन टेस्ट होगा, इफ के कंडीशन के केस में पोस्ट इंक्रीमेंट फाउंड हो रहा तो पहले पी का वैल्यू रिप्लेस करो, पी में इंक्रीमेंट कराएं, पहले पी का वैल्यू रिप्लेस कराएं, पी का वैल्यू क्या 103, देन पी में इंक्रीमेंट होगा तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 104, इसे नेक्स्ट लोकेशन को, नेक्स्ट अनरिजर्व्ड लोकेशन को पॉइंट करेगा, लेकिन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा वैल्यू ऑफ स्टार 103, और स्टार 103 में क्या स्टोर है जस्ट कैरेक्टर एस नल। फाइनली लास्ट केस में इफ के अंदर रिप्लेस क्या हो रहा है नल कैरेक्टर, और नल का आस्की वैल्यू क्या जीरो, इट इज इक्वलेंट टू जीरो, जीरो मीन्स कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो चांस किसको मिलेगा एल्स ब्लॉक को, और एल्स में चांस मिलेगा किसको ब्रेक, ब्रेक से कंट्रोल कहाँ से आउटसाइड लूप, फाइनली आउटपुट क्या आएगा दैट वन।